सरस्वती विद्या मंदिर बैजनाथ में दो दिवसीय खंड स्तरीय बाल विज्ञान मेला संस्कृत कंप्यूटर साइंस व विभिन्न विषयों की प्रश्न मंच प्रतियोगिता का समापन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला से मंत्री रघुवीर सिंह राणा ने शिरकत की। विज्ञान प्रभारी बबीता राणा ने बताया कि पप्रोला संकुल के समस्त विद्यालयों से लगभग 200 प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में शिशु वर्ग, बाल वर्ग तथा किशोर वर्ग की टीमों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि विभिन्न प्रतियोगिताओं में हर वर्ग के बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें प्रश्नोत्तरी में शिशु वर्ग में अवेरी प्रथम रहा, बाल वर्ग में बैजनाथ तथा किशोर वर्ग में पप्रोला स्कूल विजय रहे, वहीं ओवरऑल विजेता बैजनाथ स्कूल रहा। मुख्य अतिथि रघुवीर सिंह राणा ने प्रत्येक विषय में पहला, दूसरा व तीसरा स्थान पर रहने वाले विद्यार्थी को ट्रॉफी, मेडल व प्रशंसित पत्र देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रधानाचार्य शैलजा, रंजना कटोच, रजनीश, बिमला, अनीता, विज्ञान प्रमुख बबीता, दीक्षा राणा, शीतल, संगणक प्रमुख सचिन, संस्कृत विषय के संकुल प्रमुख सतीश, सुरेंद्र, चंचल, मीनू, अंजलि, नीलम ने अपनी भूमिका अदा की। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जोगिंदरनगर में चल रही अंडर 12 राज्य प्राइमरी खेलकूद प्रतियोगिता में 10 जिलों से आए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं प्रदेश में स्कूली स्तर पर आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता में पहली बार चेस को भी शामिल किया गया है। प्रतियोगिता में 4 राउंड में प्रथम 4 स्थानों पर आने वाले छात्रों को ट्रॉफी दी जाएगी, तो वहीं अव्वल रैंकिंग हासिल करने वाले छात्रों को मेडल दिए जाएंगे। चेस खेल के बारे में जानकारी देते हुए प्रेम चौहान ने बताया कि पहली बार चेस को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल किया गया है और इसमें 100 छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि चेस खेल जहां छात्रों की मानसिक विकास के लिए जरूरी है, वहीं इस खेल में बच्चों की दिलचस्पी भी अधिक होती है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले एक छात्र व छात्रा को मेडल देकर पुरस्कृत किया जाएगा। चंडीगढ़ में जिस गाड़ी से पैसे चोरी हुए, उस पर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। आज धर्मशाला में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य पंजाब कांग्रेस प्रभारी आशा कुमारी ने प्रेस वार्ता में कहा कि हिमाचल सरकार को जनता को बताना होगा कि MT HRTC की गाड़ी में 2.5 लाख रुपए कहां से आए और वो गाड़ी किसको लेकर गई थी और कहां गई थी और किसकी इजाजत से गई थी और किसने किसकी लॉग बुक भरी और गाड़ी चंडीगढ़ में क्यों थी। देश व प्रदेश में लगता है कि अघोषित इमरजेंसी है। आशा ने कहा कि अघोषित इमरजेंसी का प्रत्यक्ष प्रमाण वो 49 बुद्धिजीवी लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अपनी बात रखी, लेकिन उस पर कार्रवाई के बजाय उन लोगों के खिलाफ FIR कर दी गयी। बुद्धिजीवी वर्ग ने जो अपनी बात रखी उसका जवाब दिया जाना चाहिए था, न कि उनके खिलाफ FIR करें। हम इस पर कड़ा विरोध करते हैं। आशा कुमारी ने कहा कि आर्थिक मंदी का आलम यह है कि बांग्लादेश का टक्का भी रुपया से मजबूत हो गया है। आशा कुमारी ने कहा कि हालात जल्द नहीं सुधारे गए तो देश का बैंकिंग सिस्टम भी पूरी तरह से फेल हो जाएगा। आशा कुमारी ने कहा कि उपचुनाव में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है, चुनाव आयोग को इन सब पर नजर रखनी चाहिए। आशा कुमारी ने BJP पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जुमलों वाली सरकारें जनता को मिसलीड करके सत्ता में आई हैं, इसलिए उपचुनाव में इस पार्टी को हराकर जनता दोनों सीटें जितवाएगी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए आशा ने कहा कि BJP में चल रही अंतर कलह के कारण विकास ठप पड़ा हुआ है। 2 साल में कोई काम धर्मशाला में नहीं हुआ। पंजाब कांग्रेस प्रभारी एवं डलहौजी की MLA आशा कुमारी ने कहा कि उपचुनाव में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है, चुनाव आयोग को इन सब पर नजर रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि BJP के भीतर से लेटर बम बाहर आ रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पूर्व मंत्री का फोन जब्त हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि अघोषित इमरजेंसी लागू है, क्योंकि 49 वो लोग जिन्होंने सरकार को पत्र लिखा था, देश में फैल रहे नफरत के माहौल पर कदम उठाने की बजाय उन पर FIR कर दी गई, जिसका कांग्रेस विरोध करती है।